पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। कई बार डिप्रेशन से बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन में यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि सुबह की अच्छी शुरुआत डिप्रेशन को दूर भगाने के साथ मूड को फ्रेश करने में भी मददगार होती है। सुबह में किए गए कुछ काम मानसिक शांति देते हैं और एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं। सुबह को इन कामों को करने से मन शांत रहता है और पॉजिटिविटी भी आती है। सुबह में उठकर ब्रश करना, अपना बिस्तर खुद लगाना कुछ ऐसे काम हैं जो डिप्रेशन को दूर करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं डिप्रेशन से जूझ रहे लोग सुबह की शुरुआत कैसे करें। सुबह उठकर दांतों को ब्रश करने से डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति अच्छा महसूस कर सकता है। कई लोगों के लिए एक छोटा काम हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है कि वो दिन की शुरुआत ब्रश करने से करें। ऐसा करने से मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। दूसरा तरीका है, जी हाँ, डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति अगर अपने दिन की शुरुआत सूरज की किरणों में बैठने के साथ करता है तो ऐसे में उसको पॉजिटिविटी का एहसास भी होता है। सूरज की रोशनी हैप्पी हार्मोन को बढ़ावा दे सकती है और बैठने में डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलती है। सुबह जल्दी उठें। जी हाँ, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आप अपना हर काम समय पर कर पाएंगे और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। एक ही समय पर उठने से नींद पूरी करने में मदद मिलेगी, जिससे डिप्रेशन कम होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से मन को शांत मिलती है और एनर्जी भी बूस्ट होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद से दिमागी तनाव और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट दिन का मुख्य आहार होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और एनर्जी बूस्ट होती है। एक संतुलन नाश्ता करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। ब्रेकफास्ट करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और निगेटिव विचार दूर होते हैं, इसलिए हैवी नाश्ता करें। दोपहर का खाना आप जो लंच है वो हैवी करें और रात का खाना आप लाइट करें। तो ये था हमारा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये हेल्थ डिवीज़न मैंने नया चालू किया है और हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मैं डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हेल्थ की वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, बिकॉज मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ। आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी है आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको आयुर्वेद की वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।